ಅಡಿತ್ತ ದಿಗ್ಮತ್ ಹುಮುಖ ಹೆಮ್ಮದಾಂತ ಸಿಂಧೂಳ ಸ್ಫುಡತ್ವ ಗೂತರಿಯೇ ಮೇದುಡೆ ಮನೋ ವಿನೋದ ಮಬ್ದುತಂ ವಿಭರ್ತ ಭೂತ ಭರ್ತರಿಸಾ ಚಲಿಯೇ ಕಾಫಿ ತೇಜಿ ಸೇ ಏಕ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಸೋಶಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇ ಜೋ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೋ ಜಿಂದಾ ರಖ್ತಿ ಹೈ ಮೇರೆ ಬಗಲ್ ಮೇ ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಯೇ ಲಡ್ಕಿ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ಲಡ್ಕಿ ಕಾ ನಾಮ್ ಚಿತ್ರಾಲಿ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ಕಾ ಉಮ್ರ ಮಾತ್ರ 23 ಸಾಲ್ ಹೈ ಔರ್ 23 ಸಾಲ್ ಮೇ ಕಹೀಂ ನಾ ಕಹೀಂ ಔರ್ ಸಾ ಅನೇಕ್ ಲಡ್ಕಿಯಾ ಹೈ ಜೋ ರೀಲ್ಸ್ ಬನಾಕರ್ ಆಗೇ ಬಢ್ತಿ ರಹೇಗಿ ಕಹೀಂ ನಾ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೋ ಏಕ್ ಏಕ್ ಚೀಜ್ ಆಪ್ನೆ ದೇಖಾ ಹುವಾ ಕಾಫಿ ತೇಜಿ ಸೇ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ದೇಖಿಯೇ ದಿಖಾಯಿ ಥೋಡಾ ಆಪ್ನೆ ನಾಖೂನ್ ಕೋ ಇತ್ನಾ ಯೇ ಆಪ್ನೆ ಇಸಾ ಸುರ್ ಮರ್ದನಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೇ ಲಿಯೇ ಇತ್ನಾ ಯೇ ಜಾಗರೂಕ್ ಹೈ ದಿಖಾಯಿ ಥೋಡಾ ನಾಖೂನ್ ಕೋ ಜೋ ಲಗಭಗ ಲಗಭಗ ನಹೀಂ ಭೀ ಹೋಗಾ ತೋ 5 ಸೇ 6 ಸಾಲ್ ತಕ್ ತಕ್ ಯೇ ನಾಖೂನ್ ನಹೀಂ ಕಟಾ ಹೋಗಾ ಔರ್ ಘರ್ ವಾಲೆ ಕಾಫಿ ಇನ್ಕ ಪರೇಶಾನಿಯೋ ಕಾ ಸಾಮ್ನಾ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಬಾಬು ಥೋಡಾ ಆಪ್ನ ಜುಬಾನ್ ದಿಖಾಓ ತೋ ಏಕ್ ಬಾರ್ ದಿಖಾಯಿಯೇ ಥೋಡಾ ಜುಬಾನ್ ಕಾ ಔರ್ ದಿಖಾಯೆಂಗೇ ಜೋ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಫಿ ತೇಜಿ ಸೇ ವೈರಲ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಉಸ್ ಪೇ ಕ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ ನಾಮ್ ಪಡೇಗಾ ಬಾಬು ಆಪ್ಕಾ ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಚಿತ್ರಾಲಿ ಕುಮಾರಿ ಹೈ ಮೈ ಪಿಜಿ ಕೀ ಛಾತ್ರಾ ಹೂಂ वीडियो कैसे कौन शूट किया था जो काफी तेजी से वायरल वो वायरल वाला वीडियो मेरे पापा जी किए थे जी वो पीछे से वो अच्छा, 4 जुलाई को वो शूट हुआ था कब पता लगा कि हाँ मेरा वीडियो वायरल हो गया वाह नवरात्र के नौमी के दिन नौमी के दिन ही वायरल हो गया जी वो थोड़ा सा वो करके दिखा दो हमारे दर्शक देखे कि कहीं वही लड़की है या दूसरा है थोड़ा करके दिखा दो आई जगदम्बा मदम्बा कदम्बा वना प्रिय वासिनी हासडते शिखर शिरो मणि तुंग हिमालय श्रृंगणि जाल मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजनि कैटभ भंजनि राशि रते जय जय हे महिषासुर मर्दन रम्यक पर दिन शैल सुते मा रम्यक पर दिन शैल सुते आई सत खंड विखंडित रुंड वितुंडित सुंड गजाधिपते रिपु गज गंड विदारन चंड पराक्रम सुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर दिन शैल सुते मा रम्य कपर दिन शैल सुते वह क्या बात है जब माता काली माँ जब आती है अपने रूप में तो देवताओं ने लेकर भी अपना जान बचाकर भागा है ठीक उसी प्रकार हमें भी देखकर कुछ लगा कि हमें भी भागना पड़ेगा डर लगने लगा क्या कहेगी वैसे नहीं है वो जब गुस्सा है वो कुपित काली बस थोड़े देर के लिए है और हम नकली काली हैं तो हमसे उतना डरने की जरूरत नहीं है हाँ वही हाँ भाव वही है वो रूप सजा भी वही है तो आप लोगों को थोड़ा देर के लिए लगेगा चलो एक इस एक मन में कहाँ से आया कि हम यही कर यही चीज चुने जाएगी जबकि अपने देश में बहुत ऐसी लड़की है कि कोई रील्स बना रही है कोई गाना गा रही है कोई ये कर रही है लेकिन भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ये दिमाग में कौन दिया कैसे आया मेरे मन में तो बस एक ही बात बैठा था कि अगर वायरल भी होना कन्हैया मतलब भगवान को वैसे तो हम कन्हैया को बहुत मानते हैं लेकिन हमें पता नहीं था कि हम वायरल होंगे तो काली माँ के वीडियो से होंगे पापा के फेसबुक अकाउंट पे बहुत सारा मेरा वीडियो है लेकिन हमें पता नहीं था कि वो सब जिस पे उम्मीद था वो वायरल नहीं हुआ जिस पे नहीं उम्मीद था पापा जी ये वीडियो डालने वाले नहीं थे हम बोले कि डाल कर देखिए अच्छा लगेगा तो लोग जरूर करेंगे पता नहीं था कि ये वायरल हो जाएगा तो ऐसे तो मतलब मन था कि हम कन्हैया के वीडियो से वायरल हुए लेकिन कोई बात नहीं माँ काली के वीडियो से वायरल हुए अच्छा लग रहा है हाँ जब भी मेरे घर सीरियल चलता है तो भगवान से जुड़ा धर्म से जुड़ा चलता है तो जब भी हम टीवी पे काली माँ का रूप देखते थे तो हमें लगता था कि काश एक बार इस रूप को हम भी मतलब अपने रूप में वो करें और हम खुद वैसे करें तो वही टीवी सीरियल से चलिए एक ये सब प्रस्तुति हम लोग देखते नहीं है और जल्दी मिलता भी नहीं है अपने आसपास में पूरा सारण की बात करें तो ऐसा कोई नहीं लड़की है जो आपके तरह करके दे एक कोई और मंत्र याद है तो सुनाओ थोड़ा हमारे दर्शक भी जाने जिनको याद भी नहीं होगा पता भी नहीं होगा कि ये क्या चीज है तुमको पता है हाँ, हमें तो पता है बोलो तो थोड़ा सुनाओ जो रोज हम घर में पढ़ते हैं वही सुनाते हैं जी 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 ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा एविचे 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 ये काली माँ को प्रसन्न करने का ये बहुत अच्छा मंत्र है हम रोज घर में से पढ़ते हैं वैसे तो बहुत सारा मंत्र है ओम जयंती महाकाली भद्रकाली कपालिन दुर्गा क्षमा शिवा धाते श्वाह शोधा नमस्तुते या देवी षड्भूतेषु नोर्पेण संसिता नमस्तस्य 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 नमो नमः और भी मंत्र है ओम श्री मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधि केसर नेत्रंबके गौरी नारायणी नमस्तुते बहुत सारा मंत्र है जो हम घर में रोज चलिए चलिए एक चीज और बताइए एक चीज उद्देश्य क्या है आपका पढ़ाई तो कंटिन्यू अभी चल रहा है पीजी पीजी में हम हैं एमए में जी तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिला तो जरूर करेंगे और नहीं तो आगे अगर पढ़ाई में तो पढ़ाई तो चलता रहेगा चलो ये नाखून काटने के लिए पापा जी से माता जी से कितना बार लफड़ा हुआ है वैसे तो बोलते हैं कि जल्दी बहुत हम समझ सकते हैं आपकी भावना को कहीं ना कहीं इस परेशानी हम बस एक ही बात बोलेंगे कि हमें मेकअप करना उतना पसंद नहीं है हम शादी ओकेजन में ही मेकअप करते हैं बहुत सिंपल रहते हैं लेकिन इसके लिए बहुत डांट सुने कितना घंटे में मेकअप बनाया
मेकअप में तो ऐसे ही पूरा गर्दन वर्दन करते, वो दोनों हाथ करते तो बहुत ज़्यादा लंबा समय जाता, एक घंटा और एक्स्ट्रा जाता। लेकिन आप लोगों को आना था फिर यहाँ से वीडियो करके बनाकर, और समय पे घर आप लोगों को भी तो घर जाना है, तो इसलिए हम बस ये चेहरा ही किए हैं। और आप लोग हाँ ये पैर देख सकते हैं, ये पैर किए हैं, हाथ और गर्दन छोड़ दिए हैं। चलो बाबू और बताओ, जब वीडियो तुम्हारा वायरल हो रहा था सबसे पहले कौन आपको बताया कि आपका वीडियो तो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है? पापा जी बताएं, पीछे खड़े हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले बधाई हो सर आपको, बहुत बहुत बेटी तो बहुत कमाल सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोगों को भी इतना दूर से आया इसलिए आपके चैनल को हमको प्रति आभार। ये चीज बताइए थोड़ा कि कहीं ना कहीं ये चीज अपने यहाँ लुप्त हो चुका है ही नहीं, और उसको फिर से दोबारा इसको जिंदा रखना। निश्चित रूप से आज बच्चे अश्लील हरकतें कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अध्यात्म से कोसों दूर हैं। अभिभावकों को भी बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वे अध्यात्म से जुड़े, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, इन सबकी चौपाई पढ़ें प्रतिदिन। ठीक है पढ़ाई करें, भोजपुरी सॉन्ग हुआ, हिंदी सॉन्ग पर वीडियो रील्स बनाएं, लेकिन थोड़ा अश्लीलता से बचें, क्योंकि अध्यात्म और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जरूरी है। क्योंकि भारत देश योग की भूमि है, इसलिए तमाम अभिभावकों से अपील होगा कि वे बच्चों को संस्कारिक शिक्षा दें। क्योंकि मानव के चतुर्दिक विकासार्थ जिन कारकों की बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कारक है। पढ़ाई के साथ साथ भी रामचरितमानस गीता का भी अध्ययन करें बच्चे, तभी हमारा देश का चौमुखी विकास होगा और निरंतर आगे बढ़ता। सर एक सवाल, वीडियो आपने शूट किया था, क्या उस समय आपको लग रहा था मेरा वीडियो किया हुआ शूट आज इतना दूर तक पूरा सोशल मीडिया पे चर्चे का विषय बनेगा और इतना लोग आपके दरवाजे पर आएगा? अच्छा सवाल आपने किया है। निश्चित तौर पर हम लोगों को उम्मीद नहीं था कि जो महिषासुर मर्दिनी पर जो चित्राली भाव प्रकट कर रही है वह रातों रात मिलियन छू लेगा। चूँकि नौमी के दिन ही वीडियो वायरल हुआ और एक कार्यक्रम में हम थे, उस समय जब मोबाइल पर हमने देखा तो 5 मिलियन क्रॉस कर गया था और आज 12 मिलियन क्रॉस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अध्यात्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और लोग सनातन धर्म के प्रति जागरूक हुए। चलिए, इसको सीखने के लिए आपको कहीं जाना पड़ता है सीखने के लिए या घर में ये एक्सपीरियंस? घर में ही गूगल का सहारा लेके, यूट्यूब का लेके, और अपने से मेहनत करके, अपना दिमाग लगा के, तो हम खुद से किए हैं, कहीं गए नहीं हैं। मेरा स्पेशल एक और आपको बात बता दूँ कि मेरे पास खुद का फ़ोन भी नहीं है, मेरे पापा प्रिंट मीडिया हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो वो दिन भर काम करते हैं और रात को जब आते हैं तो बस थोड़ी देर के आधा एक घंटा के लिए मेरे पास फ़ोन होता है, तो उसी का सहारा लेके बस उतने ही देर में। आपके पास अभी अकाउंट नहीं है कोई फेसबुक का? अभी 2-4 दिन पहले मेरे, एक और बात हम बताना चाहेंगे, 2-4 दिन पहले मेरा चित्राली कुमारी के नाम से मेरा पेज बना है, फेसबुक पेज, तो उस पर आप लोग सर्च कीजिएगा। अब आप लोग को ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा क्योंकि मेरा जो प्रोफाइल पिक है तो वो ये वायरल वाला लुक, काली वाला ही लुक है, तो ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। और 2-4 दिन पहले ही बना चित्राली कुमारी के नाम से। चलिए, अभी तो काली वाली रूप है, आने वाले दिन में क्या चीज़ का रूप दिखेगी? वैसे तो अभी तक हम कन्हैया का रूप ले चुके हैं, राधा रानी का रूप ले चुके हैं, दुर्गा माँ का रूप ले चुके हैं, काली माँ का रूप ले चुके हैं और भोलेनाथ का रूप ले चुके हैं। आगे पता नहीं, कार्तिक भगवान, गणेश भगवान, हम सब बन जाए उनकी कृपा। चित्राली नाम है। चलिए, तो ये है चित्राली, जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल होता है और वायरल होने के बाद इनके यहाँ तांता लग जाता है, भीड़ लग जाता है, एक के बाद एक।